प्यारे छात्र मित्रों, आज हम कक्षा आठवीं की कविता अनमोल वाणी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता हमें हिंदी के दो महान रचनाकार संत कबीर और सूरदास इनकी रचनाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। संत कबीर, जिनका जन्म 1398 में उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कहा जाता है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने संत कबीर का पालन पोषण किया और उन्हें बड़ा किया। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के कवि संत कबीर मानवता और समानता के समर्थक थे। उनकी रचनाएं साखी, रमैनी और शबद, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। जैसा भोजन कीजिए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इसका भावार्थ यह है कि मनुष्य अपने जीवन में जिस प्रकार के भोजन का और पानी का समावेश करता है, उसके विचार और उसका मन, उसकी वाणी उसी तरह की हो जाती है। अगर मनुष्य अपने जीवन में सात्विक भोजन ग्रहण करता है तो उसका मन और उसके विचार सात्विक रहेंगे, और अगर मनुष्य अपने जीवन में तामसी भोजन ग्रहण करता है तो उसी प्रकार उसका मन, उसके विचार और उसकी वाणी यह भी तामसी हो जाएगी। अर्थात अगर मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलेगा तो सज्जन कहलाएगा, और बुराइयों के पथ पर चलेगा तो वह दुर्जन कहलाएगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को इस प्रकार बोलना चाहिए कि सुनने वाले को वह अच्छा लगे, और स्वतः मनुष्य को भी बोलने से आनंद की प्राप्ति और अनुभूति हो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझे सा बुरा न कोई। इसका भावार्थ यह है, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं जिंदगी भर दूसरों की बुराइयां खोजने में लगा रहा, और जब मैंने खुद अपने अंदर झांक कर देखा तो मुझे यह साक्षात्कार हुआ, यह पता चला कि मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इससे यह अर्थ लेना है कि लोग जिंदगी भर हमेशा दूसरों की बुराइयां देखने में लगे रहते हैं, वह कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। अगर उन्होंने अपने अंदर झांक कर देखा तो उन्हें यह पता चलेगा कि उनसे बुरा कोई नहीं है।